तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 74th इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान आप सबको बहुत मुबारक रात भर से बहुत पटाखों की जोश खरोश की आवाज़ें आ रही हैं एंड इस दरमियान वी थॉट अ फ्यू डेज अगो दैट माइंडफुलनेस इज़ समथिंग दैट वी विश फॉर इन दिस कंट्री वी वॉन्ट टू सी मोर एंड मोर माइंडफुलनेस एज स्टोर कॉर्प एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग दिस इवेंट फॉर माइंडफुलनेस हमारी एबिलिटी है टू बी वेयर वी आर आप इस वक्त जहाँ पर हैं गहरी एक सांस लें इर्द गिर्द देखें और जिस तरीके से ये मुंतखब कर सकते हैं इस तरीके से हर अमल हर लफ्ज अपने ज़िंदगी के मकासद माइंडफुलनेस कहते हैं शायद हाइपोथेसिस है शायद जेनेरिक बात है लेकिन कहते हैं माइंडलेस कॉम है सड़क पे खड़े में पता नहीं है बीच में आ जाएंगे ऐसे नहीं कि आपका रास्ता काटेंगे लेकिन ना जानते हुए कुछ ऐसा कर रहे हैं कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जो कि दूसरों को बॉदर कर रही है अंदाज़ा नहीं है बड़े बड़े ज़िंदगी के फैसले बग़ैर सोचे समझे बड़े बड़े मुल्क के निज़ाम जिसके बारे में कोई आगाही ना होना और उस पर इतनी सारी गुफ्तगू होना शायद हम सब को माइंडफुलनेस सीखने की ज़रूरत है मुझ शामिल हम सब मेहमानों को शामिल करके मुझे ज्वाइन करेंगे आज बहुत खूबसूरत लोग आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर टेकिंग आउट द टाइम आप सबका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्लीज़ ज़रा कॉमेंट पर हमें बताएँ आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप क्या करते हैं क्योंकि ये ओपन इवेंट है तो speakers ask us ke who are we talking to and we do tell them that they're learning enthusiasts they're professionals some of us are students kuch aur bhi log join karte hain so please tell us who you are where you're joining us from we're going to go on till 4:45 this event mindful pakistan this is brought to you by torque corp थैंक यू अहमद खान इरफान अहमद इब्राहिम भट्टी सीमी एंड सम ऑफ यू हुज नेम्स आई कांट सी इट्स फेसबुक यूजर एंड यू जॉइनिंग अस ऑन मल्टीपल चैनल्स सो थैंक यू वेरी मच डू शेयर इट अहेड ऑन योर प्रोफाइल्स बहुत सारे लोग आज फारिग बैठे हुए गाने सुन रहे हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें वी विल स्टार्ट विथ फ्रीडम मेडिटेशन वी विल टेक अ पॉज एंड वी विल गेन अवेयरनेस ऑफ आर ओन सेल्स कहते हैं हम दुनिया नहीं बदल सकते जब तक हम अपने आप को कंट्रोल में ना ले आए और कंट्रोल से बेहतर लव शायद
आगाही है आज की गुफ्तगू के लिए कि समझे तो सही कि ये अंदर चल क्या रहा है, ये अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया जिसको इतना लोग जोड़ते हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल आपको पोइट्री में मिलेगा, कहते हैं खुद शनासी खुदा शनासी है. सो वी विल गेन अवेयरनेस ऑफ दैट, व्हाट इज इट. सो वी विल स्टार्ट विद फ्रीडम मेडिटेशन, दैट्स आवर फर्स्ट सेगमेंट एट 3:15, एंड देन वी विल गो ऑन टू अ वंडरफुल डायलॉग विद सदफ एंड शिरीन नकवी. शिरीन नकवी आप बहुत सारे लोग जानते हैं, शिरीन मेरे उस्तादों में से हैं. सदफ आबिद, somebody I look up to, wonderful practitioners, these both are, ये दोनों social entrepreneurs हैं और इन दोनों खवातीन ने पाकिस्तान में बेशुमार नौजवानों के लिए alongside other things that they have done, but खास इनके काम का हिस्सा नौजवानों को और इस मुल्क को बेहतर बनाना है. और इनका काम भी, इनका कारोबार भी social enterprise है. Mindful action, कैसे अपना काम, कैसे अपने काम से आगाही बढ़ाई जा सकती है और उस आगाही का क्या आउटकम है. वी विल लर्न माइंडफुल एक्शन विद सदफ आबिद एंड शिरीन नकवी. सो दैट्स व्हाट इट इज टुडे, दैट्स द पैनल फॉर द डे. नईम विल हेल्प अस मेडिटेट, नईम इज हियर, एंड सदफ आबिद एंड शिरीन नकवी वी विल हैव अ डायलॉग विद, एंड आई विल बी मॉडरेटिंग दिस विद यू. प्लीज कीप कमेंटिंग, कीप टेलिंग अस वेयर यू आर फ्रॉम एंड ऑल्सो योर विशेस फॉर पाकिस्तान. आवर विश फॉर दिस 74th Independence Day is a mindful Pakistan. Pakistan जो के aware हो अपने आप से, अपनी सांस से लेके अपने हर अमल तक, अपनी बात, उसका क्या impact आता है दूसरों पे, consciousness gain करना. अल्लाह का भी इस पर इंसानों से सबसे बड़ी तवक्को है कि वो consciously operate करें. Breathe in life. Tasneem, thank you for joining. Shamail, Shahana, Yasir, Farida, I'm seeing a lot of you there. Thank you very much. We have a few minutes before we bring Naeem on. आप में से जिन लोगों ने नहीं बताया कि आप कहाँ से join कर रहे हैं, it will really help me and help Naeem, help Sadaf and Shirinapa to really really speak to you. आपके लिए बात रेलिवेंट हो सकती है. प्लीज ऑल्सो शेयर इट अहेड सो दैट वी कैन इंक्लूड अदर्स इन टुडेज सेलिब्रेशन. थैंक यू मुजम्मिल फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम डीजी खान. वालेकुम अस्सलाम अली इमाम. थैंक यू मोहसिन वंस अगेन. अ कॉन्शियस पाकिस्तान हिना, यस अ कॉन्शियस पाकिस्तान. बंदे को नहीं मयसर इंसान होना, गालिब ने कहा. यू जॉइनिंग अस फ्रॉम एसेक्स असमा, थैंक यू. यू फ्रॉम पिशावर उसामा. राफिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. आमिर, गुड टू सी यू. फैसलाबाद, वाओ, वी हैव अ होल लॉट ऑफ पीपल हियर एंड आई होप दैट दिस विल ओनली ग्रो. विद दैट आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू शो यू एंड देन आई विल ब्रिंग समबडी वंडरफुल ऑन द स्क्रीन. बहुत खास शख्सियत है. स्क्रीन पे शायद आप इनकी एनर्जी वैसी ना फील कर पाए जैसे आप इनको चलते फिरते जब देखें तो फील कर पाते हैं. ही'ल ग्राउंड यू. आप जिस कैफियत में, उससे आपको निकाल के स्टिलनेस पे ले आते हैं. दैट्स हिज पावर एंड आई होप दैट वी आर एबल टू डू दैट टुडे ऑनलाइन. आई वुड लाइक टू प्ले अ फ्यू मैसेजेस बिफोर वी गो ऑन. दिस इज माइंडफुल पाकिस्तान. ये वक्त गुजर जाएगा, जो करेंगे याद रह जाएगा. A public service message from NDMA. जनाब, वक्त गुजर जाता है, जो करते हैं वो याद रह जाता है. पेंडेमिक भी कुछ ऐसा ही वक्त है. पेंडेमिक ने हमें बहुत चैलेंज किया और बहुत सारे लोग जो बहुत भाग रहे थे, फ्लाइटें पकड़ रहे थे, ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे, इवेंट्स पे इवेंट्स लगा रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, गैदरिंग्स हंगामे कर रहे थे, सब का सब रुक गया. एंड द वर्ल्ड टुक अ पॉज. व्हाट कुड दिस पॉज मीन?
मैंने बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू मुख्तलिफ होते हुए सुनी. आई थिंक देर इज़ नीड फॉर दिस. आपने सुना होगा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और मेंटल हेल्थ इलनेसेस इलनेस कैटेगरी में टॉप कैटेगरी में आ जाएगी बाई 2030. यानी कि हमारी फिजिकल इलनेसेस जो हम एक्सट्रीम जानते हैं वो नीचे चली जाएंगी और हमारे दिमागी अमराज, और ये दिमागी अमराज जैसे हम कहते थे कि नहीं नहीं इसको मर्ज है, अब वो बात नहीं है. अब हम सब, और वैसे भी हम सब कुछ ना कुछ टेंडेंसी ज़रूर रखते थे, लेकिन आज की स्पीड, आज की टेक्नोलॉजी और अब ये पेंडेमिक, हर चीज़ हम देख रहे हैं, मुसलसल ओवरलोड देख रहे हैं. हाउ इज़ दैट फॉर आवर माइंड? आई वुड लाइक टू ब्रिंग ऑन स्टेज ऑन दिस platform a friend, a mentor, somebody who passes on great energy, Naeem Zamindar. And Naeem is not just jab koi aisi baatein karta hai to hum kehte hain ha ye inki duniya alag hai, dekhen ye aise hi operate karte hain, but Naeem is somebody who is a success story when it comes to the business world. He has risen the ranks, he has done it in the business world, and yet he chooses to preach what he preaches, which is awareness of our own selves. Join me in welcoming a wonderful man, always does it for all of us and lightens us up. Naeem Zamindar it is on the Mindful Pakistan. Welcome Naeem, how are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fantastic. I just love the initiative, and this is the Pakistan that we want, a mindful Pakistan, and I'm so happy that we are creating it right now together, all of us. We are together. Naeem, thank you for making the time. We have a lot of people with us. I'm very happy to see so many people join in aur bahut mazedar contribute bhi kar rahe hain. I hope that they will not let you feel that you're at a distance. We'll keep flashing in the comments. Naeem, over to you. You're doing the freedom meditation. Main chahunga ki thodi si agahi pehle build kijiyega phir karaiyega, warna hum aapko pata hai doubt mein reject kar dete hain. Bilkul. So over to you. Thank you. Thank you. First of all, I'm so grateful for being here with you on this special day. देखो ये मुल्क हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम सब की उम्मीद है कि ये मुल्क ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें हर इंसान की उम्मीदें पूरी होएगी और वो खुशी से रह सकेगा और मोहब्बत के साथ रह सकेगा. This is the Pakistan that we want and we are responsible to make it. मैं आपको पहला रूल बताता हूँ स्पिरिचुअलिटी का. जो सबसे पहला रूल है स्पिरिचुअलिटी का, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. दिस कंट्री इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ अस. वी आर को क्रिएटिंग रियालिटी. इन स्पिरिचुअलिटी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. वॉट यू नो दैट एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है. इट इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स. So every particle affects every other particle in the universe. How we feel affects everything. See, responsibility is not a burden. Responsibility is ability to respond. How do you what is your intention? Do you care enough? That is the attitude of responsibility. And when you mean responsible for everything, means that you know that you take responsibility for whatever you think belongs to you. Agar main samajhta mera ghar hai, to main usko saaf rakhunga aur bahar ki parwah nahi karunga. लेकिन मैं समझता हूँ पूरा शहर मेरा है, तो मैं बाहर की भी सफाई मेरी जिम्मेदारी है. और इसी तरह जो हमारे रसूल है और जो पहुंचे हुए लोग हैं सेंट्स एंड यू नो, वो सारे पूरे समझते कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. दे थिंक दैट द होल यूनिवर्स इज देयर्स, इट बिलोंग्स टू देम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल. सो दिस फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू एवरीथिंग एंड देयरफॉर दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग. दिस इज अ वेरी सटल इंपॉर्टेंट शिफ्ट. इस वन ऑफ द की थिंग्स विद दिस ऑल्सो इज दैट You notice that the one who takes more responsibility has more power. अगर कंपनी में एक सीईओ होता है और एक समझो एडमिन एग्जीक्यूटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, किसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉर्मली सीईओ के पास ज्यादा होती है. बट अगर ये एडमिन एग्जीक्यूटिव पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे और बिल्कुल समझे कि मेरी कंपनी है, उसी तरह कंपनी को संभालने लगे, तो क्या होएगा?
वो एक ना एक दिन सीईओ बनेगा, हो सकता है इस कंपनी में नहीं कोई और कंपनी में, बट बनेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर पावर कम्स टू यू। मुझे याद है ईदी साहब ने मुझे कहा था जब मैं पाकिस्तान वापस आया था आर्ट ऑफ लिविंग शुरू करने के लिए, मैं उनके पास पहले गया था एडवाइस लेने के लिए, मैं अमरीका छोड़ के वापस आया था टू आई थॉट आई विल बी अ टीचर एंड टीच द आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन, इट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो जब शुरू किया तो ईदी साहब से पूछने गया, ईदी साहब ने बोला देखो तुम अगर तुम समझते तुम कुछ कर पाओगे तो तुम ना सोचो, तुम डिसअपॉइंट हो गए, तुम करो क्योंकि तुम समझते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम इसको ये तुम्हारी जिस तरह तुम सांस लेते हो उसी तरह तुम ये काम कर रहे हो, ये ना सोचो कि तुम इससे कुछ पहुंचोगे कुछ कर पाओगे, बट गो विद द माइंडसेट ऑफ दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। आई सेड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैंने देखी थी लाशें पड़ी थी जब मैं 1947 में था, तो उस वक्त मैं उठाते गया करते गया, लोग मेरे साथ आते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, अभी मेरे पीछे वर्ल्ड बैंक पड़ा हुआ है वो मुझसे पैसे दे रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम मिल के कर रही है और हमारी ये togetherness हो। तो that's the mindset, it's very powerful. Once we as Pakistanis start taking responsibility for everything, everything will change. इसके लिए जो mindful Pakistan की बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी बात है। देखिए ये mindfulness बहुत बड़ी बात है, आप I don't want to undermine it. I want to really emphasize what mindfulness means. To be mindful is to be in the here and now, right? To be experiencing this now, this present moment fully. Aapne suna hoga the power of now. When you are here and now, mindful of everything around you. I will deconstruct this. Isko main thoda sa, I'm going to break it up into a thought process. See, there are seven layers to who we are, to our being. Ek to body hai, ya physical body hai. Ye to now hai, heart abhi chal raha hai. Iska ek rhythm hai. Body kya upar? ब्रेथ चल रहा होता है, हमारी सांस आ रही होती है, सांस की भी एक रिदम है, वो भी इन द नाउ है। सांस के ऊपर एक और लेयर है, उसको कहते हैं माइंड। माइंड किधर है, माइंड क्या चीज है, माइंड में जरा डिफाइन करना चाहूंगा। माइंड वो क्वालिटी जिससे आप चीजों को परसीव करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आर यू लिसनिंग टू मी, सो यू आर नॉट लिसनिंग टू मी फ्रॉम योर ईयर्स, यू लिसनिंग थ्रू योर माइंड, माइंड इज लिसनिंग टू इट। Beyond the mind is intellect. Intellect is what is judging everything. हर चीज को जज कर रहा था, यार ये सही है आगे जाने दो, जो नहीं अग्री करता है वो आप उसको थ्रो आउट करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारा ज्यादा इंटेलेक्ट होता है, नॉर्मली क्या होता है बचपन में हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, पर जैसे बड़े होते आते तो हमारे फिल्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर अब वही सीखते हैं जो हमारे वर्ल्ड व्यू में फिट होता है, तो लिमिटेड लर्निंग होती है। इसलिए कहते हैं टू बी ओपन टू लर्निंग, to take new ideas, absorb them, feel it, if it doesn't feel right, then spit it out. Don't immediately filter things. Take things in. जब मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुने जरा देखिए absorb करें कैसा feel करता है, फिर आपको समझ में, अगर बिल्कुल feel अच्छा नहीं किया थोड़ी देर में, फिर आप spit it out. तो intellect के ऊपर होता है what we call the memory, right? Memory is what is used by the intellect to judge. उसमें भी आप क्या होता है, that is something that कभी जो ट्रॉमा आता है तो वो ट्रोमैटिक मेमोरी बिकम डजंट गेट प्रोसेस इनटू लॉन्ग टर्म प्रोसेस बट स्टेज करंट कीप्स कमिंग बैक। बियॉन्ड द मेमोरी इज द ईगो, राइट? ईगो इज द सेंस ऑफ सेल्फ, व्हाट सेपरेट्स मी फ्रॉम यू, जो हमें अलहदा रखता है, राइट? मैं नईम हूं, मैं बहुत होशियार हूं, या मैं बहुत बुद्धू हूं, ये भी होता है कि मैं बहुत बुद्धू हूं, ये मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, ये लेकिन हमें लिमिट करती है, ये हम एक दूसरे को अलहदा रखती है। इसके ऊपर जो सात लेयर है, सबसे पावरफुल लेयर है, वो सेल्फ कहते हैं, जो हमारी रूह कहते हैं, जो डिवाइन फोर्स कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी, जो इन्फिनिट होता है, हम सब में है, हम सब के पास एक्सेस है, बट होता क्या है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेसेस इन ऑल दीज डिफरेंट लेयर्स, वी आर नॉट एबल टू बी इन द इन्फिनिट बींग दैट वी आर, द स्पिरिट विच इज इन्फिनिट, इट कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल कंप्लीटली कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? And, but the ego obstructs it. It's the separation. Now, where does mindfulness come? See, everything is in the now, except for the mind. Mind is one which is vacillating between the future and the past. What are we doing? Most of our time is spent worrying about, yaar, mere saath kya banega? Mere saath, mera, wo, aaj, you know, khana paka hoega, meri achhi naukri lagegi, meri shaadi hoegi, mere bachche achhe college jayegi. Kitni hum cheezon ke baare mein fikar kar rahe hote hain. आधा वक्त उस पर लगा रहे थे और आधा वक्त हम रिग्रेट पे कर रहे होते हैं
कि यार मेरे साथ ये बुरा क्यों है, उसने मेरे को यू नो मुझे गाली क्यों दी या मुझे मेरे साथ ज्यादा क्यों की. तो हमारी ये रिग्रेट अबाउट द पास्ट एंड एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर में हमारा दिमाग वैक्सीनेट कर रहा होता है. आप नोटिस करेंगे जॉय एंड हैप्पीनेस इज इन द हियर एंड नाउ, इस लम्हे के अंदर. अभी आप देखेंगे जब आप चॉकलेट खाते हैं तो उस लम्हे में आपका पूरा टेंशन आता है. गुड म्यूजिक सुन रहे होते हो तो उस लम्हे में आ जाते हैं. दैट इज द नाउ. जॉय हैप्पीनेस पावर इज इन द नाउ. मार्शल आर्ट्स में हम दिखाते हैं टू फोकस योर एनर्जी इनटू द नाउ सो दैट यू कैन पंच पावरफुल विद फुल फोर्स. सेम थिंग हैपेंस विद योर एनर्जी. इफ यू आर फुल्ली इन द नाउ योर पावर इज फिनोमिनल. मौला अली के बारे में कहा जाता है, आज मुहर्रम है तो इसी मुझे याद आई कि ही वॉज एक्सट्रीमली प्रेजेंट. ही वॉज एबल टू चैनल द नाउ फुल्ली. And that's why his intellect was so sharp, because he was so here and now. And he even his power, Khyber ka dawaz ek utha liya. Martial arts mein yeh sikhaya jata to channel the energy to the moment. We have divine, infinite energy, infinite power. It can only be tapped into now. So that's why mindfulness becomes very, very important for that to happen. It is the coming in the here and now. To make mindfulness work, so you can't be stressed. Mindfulness, for example, martial arts mein sikhate, even if you're in a fight, to be here and now, but to be relaxed, to be at ease. So to be at ease, you have to be accepting everybody. You can't think, you get worried about the enemy or your opponent or scared of him. You need to be accepting everything. You need to see what's going on. So one of the big rules for that is accept people and situations as they are. So to be in the now, if you're accepting things, right? Ki koi situation ho rahi hai, for example, jahaz mein baithe, wo unka heater nahi chal raha, to khana thanda aa gaya. आप शिकायत करते रहो, रोते रहो भाई, पूरी फ्लाइट खराब कर दो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ स्मॉल कंप्लेंट एंड रिलैक्स एंड मूव ऑन, राइट? सो एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशन. सेम थिंग विद पीपल. जो आपको अच्छे नहीं लगते लोग, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं. उनको वो दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होते, आप डिस्टर्ब हो रहे होते. ये एक बुद्धा की कहानी है जो मैं काफी बार सुनाया करता हूँ कि बुद्धा के जमाने में लोगों ने सुना था कि अगर आप बुद्धा के पास पहुंचते तो एनलाइटनमेंट जो कहते हैं रूहानी आपको पूरा कंप्लीशन होती है. तो बहुत लोग दूर दूर से आ रहे थे. एक बंदा था वो भी छोड़ छाड़ के वहाँ पहुंच गया बुद्धा के पास. अपनी दुकान बेची, बड़े मुश्किल से पहुंचा उधर. तो उसने बोला कि मैं आपके पास आपका शागिर्द बनने आया हूँ, तो मुझे आप कबूल करेंगे? तो बुद्धा ने कहा कि देखो मेरी एक शर्त है. मेरी शर्त यह है कि आप हर दूसरे इंसान को एक्सेप्ट कर पाएंगे, कबूल कर पाएंगे. उससे पहले मैं सोचता हूँ, सोच के आपको अगले दिन बताता हूँ. वो पूरी रात सोचता है, फिर अगले दिन आता है, बोलते हैं देखे यार बुद्धा जी, मैं सबको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यार ये दो लोग इतने उन्होंने गिने हुए काम किए हुए, इतने लोगों को दुख दिया है. मैं उनको सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, और उनको वो गलत लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, इसलिए मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा सकता. बुद्धा ने कहा चलो बेटा, तुम्हारे लिए मैं एक्सेप्शन बनाने वाला हूँ. तुम्हें किसी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दीज टू पीपल. आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि वो दो लोग जो भी कर रहे हैं, बट आपकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके कॉन्शियसनेस को स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस जॉय एंड ब्लिस. यू आर जॉय एंड ब्लिस व्हेन यू आर इन द नाउ. यू आर इन द स्पेस ऑफ हैप्पीनेस, इन स्पेस ऑफ जॉय, इन स्पेस ऑफ योर पावर. दैट इज व्हाट माइंडफुलनेस ब्रिंग्स टू यू, राइट? यू आर extremely in tune, you're much more productive and much happier on top, and you feel love for everyone because you transcend, because you feel now seventh layer in the self. That means everything is in line, you are totally tuned, because everything is the present moment except for the mind, which is accelerating. Then you are fully connected to the spirit, right? You are now and here. You're not thinking about, oh, I'm great. You are not worrying about the past or the future. You are here and now. You have no time to think about all this, and therefore you are present with life. So that's mindfulness. And I will do an experiment, and we will do the freedom meditation where you will experience this fully as well. So ek pehla rule, accept people and situations as they are, not as moralistic views, but as means to enable you to be in the now. Other one which is very important is opposite values are complementary. Uska matlab ye ki dekhiye, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं. हर इंसान की जिंदगी में ये होता है, जिस तरह रात होती है उस तरह दिन भी होता है. तो एक वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उभारते हैं, है? जिंदगी में भी होता है.
अगर आपको जिंदगी में गम महसूस नहीं हो तो आपके पास खुशी की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको भूख महसूस नहीं हो तो आपको पेट पूरा पेट की खाने की पूरी कदर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू अप्रिशिएट इट। एंड इन स्पिरिचुअलिटी दे से डोंट रेजिस्ट इट, व्हाटएवर यू रेजिस्ट विल पर्सिस्ट। इफ आई टेल यू डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, व्हाट विल यू थिंक ऑफ पिंक एलिफेंट? सो व्हाटएवर यू रेजिस्ट विल पर्सिस्ट। सो यू नो, सो जब बुरा वक्त आए तो यू एम्ब्रेस इट, यू से यार ठीक है आया हुआ, सो व्हाट, इट विल पास, दिस टू शैल पास। सो इट कीप्स यू इन द मोमेंट, नॉट टू बी वो यो यार ये वक्त खत्म हो, ये बहुत बुरा वक्त, बी इन द नाउ, जस्ट एक्सेप्टेंस एंड ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट, जस्ट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपको पता नहीं होता मेरे जिंदगी में जितने मेरे मुश्किल वक्त आए, दे बीन माई बेस्ट बेस्ट टाइम, यू नो, जब मैं मेरे जिंदगी में तब्दीली आई है, मैं उससे बेहतर चीजें की है। मुझे याद है मैंने एक बार जिंदगी में कंपनी से फायर हो गया था, जब मैं फायर हुआ था तो मैं बहुत दुखी था, बट थोड़े दिनों के बाद मैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली और आई डिड समथिंग व्हिच वाज रियली मेड मी हैप्पी। सो यू डोंट नो व्हाट वन थिंग लीड्स टू, राइट? सो डोंट जज योर सिचुएशंस, जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। इट डजंट मीन यू आर पैसिव, सिंस एक्सेप्टेंस इज नॉट अ पैसिव एक्सेप्टेंस, इट्स एन एक्टिव वन। अगर घर में चोर आ जाता है आपके, तो आप नहीं बोलते वो यार आओ मेरा तिजोरी इधर पड़ी है, आप देखते भाई चोर आया मुझे छुप जाने की जरूरत है। That is acceptance of the situation and dealing with it instead of oh my god main mar gaya, theek hai na, panic mein you relax and you find a way. Easier said than done, but it's a practice, it's developing this practice, and these meditational practices will actually get you there, and I'll make you do it together. You will notice it will get you to the space. Yeah, aur teesri rule main batau, aaj khali teen karunga aur bahut cheeze. Teesri wali ye, don't become a football of other people's opinion. हमारी जिंदगी में क्या होता है कि यार माँ बाप कुछ कह देते हैं, कोई मोहल्ले वाला कुछ कह देता है, या कोई यू नो कहीं भी जाते, हर बंदे की ओपिनियंस होते हैं और आप वो ओपिनियंस में फंस जाते हैं। आप खुद अपने ओपिनियंस का सोचें, कितने वेल थॉट आउट होते हैं और कितने बार बदलते रहते हैं आप अपने ओपिनियंस, तो आप किसी और के ओपिनियन पे अपनी खुशी हुक कर ले तो आप तो फंस गए। यू नीड टू फाइंड योर ओन सेंटर, yes, take feedback, but don't get caught up. मुझे याद है मैं एक दिन एक पार्टी में गया था, मुझे दोस्त से बुलाया यार आ जाओ मेरे घर पे, छोटी दावत है बस आ जाओ। मैं बोला ऐसे ही आ जाओ, मैं पहुंचा, पता चला उसकी बेटी की इंगेजमेंट, सब लोग तैयार होके आए थे, मैं गया था पुराने कपड़े पहन के, यू नो एक्चुअली टी शर्ट पहन के पहुंच गया था, और उसकी सब हर बंदा फॉर्मल था। शुरू में मैं थोड़ा घबरा गया और मैं देख रहा था हर बंदा मुझे देख रहा था, फिर मैंने कहा यार रिलैक्स करो यार, एंजॉय द मोमेंट, be here and now, and it's very quickly I saw that people forgot it, and they didn't, nobody noticed it, it was only my mind which was thinking that everybody was noticing me. Just relax. So this is what mindfulness is, right? To be mindful, you need to accept people and situations as they are. Number two, you need to be able to, what did I say, don't be a football of other people's opinion, and opposite values are complement. ye teen cheeze hai, ek bura waqt aata acha waqt, just relax, be here and now. So, coming back to meditation, shall we all do it? Are you all ready? I hope all of you are ready. उसके लिए थोड़ा सा ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ थोड़ा comfortable हो, और आप 15 मिनट के लिए, 10-12 मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी से बैठ सके, ठीक है? और मैं आपको गाइड करूंगा और बस आप मेरी बातें सुनते रहे, मैं इंग्लिश और उर्दू में मिक्स करता रहूंगा, बस इसको फॉलो करें, कंफर्टेबली बैठ जाए कि आपको हिलना ना पड़े। और मेडिटेशन में हम कोशिश करते हैं कि आप आंखें बंद रख लें, क्योंकि आंखें खुली होती है आपका ध्यान बाहर होता है, आंखें बंद कर लेते हैं तो आपका ध्यान अंदर चले जाता है, तो हम अपना ध्यान अंदर ले जाएंगे और अपने अंदर का हाल महसूस करेंगे, और उसमें वो माइंडफुलनेस से आपको पूरी एक जर्नी कंप्लीट करेंगे जिसमें हमें जो ये हमारी जो फ्रीडम है उसको महसूस करेंगे, ठीक है? और जो हमारे मुल्क को हमें बनाना है उसकी ताकत, और जो जिम्मेदारी लेनी है हमारे मुल्क के लिए, ये मुल्क को ऐसा बनाना है कि हर इंसान खुश हो, या तो वो उसके लिए हम मेडिटेट करेंगे। आ जाए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ बिल्कुल अपने लैप के ऊपर रख लीजिए, हाथ खुले रखें और एक गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ इन एंड देन लेट गो, उसको छोड़ दीजिए, टेक अनदर डीप ब्रेथ इन And let go.
बिकम अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट, अपने इर्द गिर्द का हाल महसूस कीजिए. बिकम अवेयर ऑफ ऑल द नॉइजेस इन द रूम, जितने भी शोर है उनको महसूस कीजिए, उनकी बिकम अवेयर ऑफ इट. पंखे की आवाज हो, एयर कंडीशनर की आवाज हो, रोड की आवाज हो, एक्सेप्ट ऑल नॉइजेस. सारे शोर को कबूल कीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, अपने बदन को महसूस कीजिए. योर बॉडी इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट टू यू बाय गॉड इन लव. ये आपका बदन एक अल्लाह मियां की तरफ से तोहफा है. लव योर बॉडी डियरली. बिकम अवेयर ऑफ योर फीट, अपने पांव को महसूस कीजिए. एंकल्स, नी, घुटने. थाइज एंड हिप. स्टमक, पेट. चेस्ट, सीना. नेक, गर्दन. राइट शोल्डर एंड राइट आर्म. फील ऑल द वे टू योर फिंगर्स. उंगलियों तक को महसूस कीजिए. लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर. फेस, हेड, सिर. And spine, रीढ़ की हड्डी. पूरे बदन को महसूस कीजिए. Your whole body. Take a deep breath in. And let go. Become aware of your thoughts. अपने ख्यालों को महसूस कीजिए. Whether good thoughts or bad thoughts, let them come. Accept all thoughts. Sare khyalon ko kabool kijiye.
Take a deep breath in and let go. Become aware of your feelings. अपनी feelings को महसूस कीजिए. The pleasant or unpleasant, let them come. Accept all feelings. Sari feelings ko kabool kijiye. You are peace and joy. आप अमन और खुशी हैं. Take a deep breath in and let go. Aankhe band rakhe. Become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. Become aware of the sensations in your body. Become aware of your environment. You are bigger than the biggest. You are infinite in nature. You have the freedom to enable a better future for our country. You are responsible and you will shape the destiny of this country. To create a nation jahan har insaan ke paas umeed ho,
हर इंसान की जिंदगी में खुशी हो और हर इंसान के दिल में प्यार हो। हम एक नया मुल्क बनाएंगे, ये मुल्क जिसकी बड़ी उम्मीदों से बना था, बड़ी कुर्बानियों से बना है, और ये आज़ादी हम लेके आगे चलेंगे। ये जो हमारे में ये आज़ादी, अंदर की आज़ादी है, वो बाहर भी हम और हमारे मुल्क के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए इनेबल करेंगे। हम मिलके इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। Take a deep breath in and let go. And whenever you're ready, with a big smile on your face, you may slowly open your eyes. तो नाजरीन भाइयों और बहनों, आपने नोटिस किया होगा जो मैंने मेडिटेशन कराया, बड़ा सिंपल टेक्निक इस्तेमाल की। उसमें मैंने कहा कि बेसिकली पहले तो मैंने कहा कि जो एनवायरनमेंट है, नॉइजेज है, उसको कबूल करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। फिर मैंने कहा अपने बॉडी को एक्सेप्ट करो, फिर मैंने कहा अपने ख्यालों को एक्सेप्ट करो, और फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप ऐसी जगह पहुँचते हैं जो आपके अंदर जो पीस एंड जॉय जो आपके है, वो एक्सेप्टेंस, वो उसको एक्सेस करने देती है। पीस, अमन, खुशी आपके अंदर है, दुनिया की कोई चीज़ देती नहीं है, वो खाली जागती है, और हमने चूज किया है कि कोई चीज़ जगाएगी, कोई चीज़ नहीं जगाएगी इसको। अगर हम खुद एट पीस है, खुश है, तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। इट इज़ अ इनर स्टेट, नथिंग इन द वर्ल्ड। मुझे याद है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कहा जाता है, और हमारे रसूल के बारे में कि उनकी उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं जाती थी। जो भी कचरा भी फेंके, गाली भी दे, उनकी मुस्कुराहट नहीं जाती थी, जो भी हो जाए। तो वो बिकॉज वो उनका नेचर है। जो अगर जो अपने नेचर में है, जो सूफी है, वो एक उसके अंदर वो एक खुशी होती है। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ बींग मोर एंड मोर एनलाइटेंड, is to be at peace, to be at ease, to be happy, to be joyous. You don't need anything to be joyous. That is important. Once in the nation starts finding their own center, when people start feeling happy, we will work together, we'll create a much better country for ourselves. More materiality will not change life. There is, yes, we all need some shelter, we need some food, but that is, there's only, we don't need that much. But what we need is to create a better and different society, where we care about each other, where we love each other, where we share with each other, we collaborate, we create together. The biggest quality in human beings is the ability to collaborate. Once you are at peace with yourself and with others, you will collaborate much better. You know, they found the number one quality which differentiates humans from animals is the ability to collaborate. And it's also in the human evolutionary journey, is the expansion of collaboration that's evolved society. The first major thing was language, right? It was a means to collaborate, the first evolution. Second was writing. Third is the internet, right? And now we are able to, by the way, communicate at an energy level as well. If we as Pakistanis feel and believe in a new Pakistan, it will happen. It will become manifest. Our feelings, that's why we are responsible. This is important. We don't fall into fear. We go beyond fear. We are in the state of, yes, medical opposite. Bure din bhi aate hai, achhe din bhi aate hai. Hum mushkilat ke through gaye, padhenge. Allah mian se hume aur taqat dega to do much, much more, to make a much better nation. It teaches new lessons. Ye zaruri baat hai. Iska hume dhyan dena hai. मैं एक लास्ट चीज इसे कंप्लीट करूंगा।
वो है एक बड़ी सिंपल आइडिया जो मैं काफी फोकस करवाता हूँ. नॉर्मली आपको माइंडफुल होने के लिए आपका एनर्जी लेवल भी सेव होना चाहिए, बिकॉज अगर माइंडफुल भी है लेकिन आपकी एनर्जी लो है तो आपके पास अटेंशन नहीं है. तो हम इसको योगिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्राणा, चाइनीज को ची कहते हैं और जापानीज को की एनर्जी कहते हैं. ये हमारे में वो नफ्सियाती एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो जब बड़ी होती है ना, जब चढ़ी होती है तो इंसान बड़ा अच्छा महसूस करता है और हर चीज रंग अच्छे लगते हैं, उसका डाउट खत्म हो जाता है, वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होता है. जब ये एनर्जी डाउन होती है तो हर चीज बुरा लगता है, जायका भी अच्छा नहीं होता और आपको डाउट आता है. तो हमारा सोसाइटी में थोड़ी बिकॉज ऑफ फियर, फियर डिस्ट्रॉयज इट. देयर आर फोर मेजर सोर्सेस टू इट. मैं आपको बिफोर एंडिंग आई विल टेल यू द फोर मेजर सोर्सेस. एक है फूड. प्लीज ईट हेल्दियर फूड. जितना रॉ है वो प्राणा लेवल आप कोई दरख्त, एक रशियन था उसका नाम था क्रेलियन, क्रेलियन फोटोग्राफी कहते हैं, जिससे आप कोई भी फूड को देखें उसका उसकी फील्ड रेडिएशन फील्ड नजर आती है. जब दरख्त से एक सेब तोड़ के लाते ना उसकी बहुत लंबी फील्ड होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है. उसी को स्टोर करेंगे कम होती जाती है. टिन में खाएंगे तो उसमें प्राणा नहीं होगा, हो सकता विटामिन या कैलोरीज होगी पर प्राणा नहीं होगा. तो हैव फ्रेश फूड वेजिटेबल्स जितना खा सके पहले ये. कॉफी कम करें, निकोटीन कम करें, वो प्राणा खा जाती है, शुगर आपका प्राणा कम करती है. तो ये सब चीजें करें. गोश्त भी थोड़ा कम खाएं, गोश्त भी बहुत प्राणा कंज्यूम करते हैं, डाइजेशन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ प्राणा, मीट को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इसलिए कोशिश करें लाइटर खाना खाए. हमारे रसूल ये करते हैं, बहुत लाइट खाना खाया करते थे, कम खाए, अच्छा खाए और हलाल खाए, पहली बात ये. तो उससे प्राणा लेवल बढ़ता है. दूसरी बात स्लीप. इफ यू डोंट स्लीप इनफ देन व्हाट हैपेंस, यू आर इरिटेबल, यू आर नॉट इन द स्टेट. सो गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, राइट क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट. ज्यादा भी सोलत है उससे भी बंदा बहुत इंथार्जिक हो जाता है. तो गेटिंग राइट अमाउंट इज एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 hours to 9 hours डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, योर एज एज वेल. बट व्हेन यू गो टू स्लीप इन अ डिस्टर्ब स्टेट, यू वाचिंग टू वॉच मोबाइल और यू नो वरिंग, योर वरिंग कैरी थ्रू द स्लीप, योर क्वालिटी स्लीप विल बी बैड. इसलिए नॉर्मली हर स्पिरिचुअलिटी में लिखा है कि आप सोने से पहले ना अल्लाह मियां का शुक्रिया करें, या तो इशा की नमाज पढ़े उसके बाद अल्लाह मियां का शुक्रिया करें. जब शुक्रिया करता है, ग्रेटिट्यूड में इंसान आता है, तो हर चीज तो वो एक और स्टेट ऑफ माइंड रहता है. अल्लाह एक कहावत है, ईसा अलैहि सलाम की कहावत है कि जिसके पास है उसको और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसे और छीन लिया जाएगा. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स अल्लाह मियां आप तुमने मुझे बहुत दिया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्र करता हूं, अल्लाह मियां आपको और देगा और स्टेट ऑफ माइंड बढ़ेगा. फॉरगेट अबाउट रियलिटी. अरबपति भी समझते हैं मेरे पास कुछ नहीं है और एक फकीर भी सोच कभी कह सकते हैं अल्लाह मियां ने मेरा पूरी कायनात मुझे दी है. तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, ग्रैटिट्यूड चेंजेस दैट. तो गो टू स्लीप विद ग्रैटिट्यूड. थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इज वेरी सिंपल, इट इज स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड अगर आप परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं, आपकी लाइफ फोर्स कम हो जाती है. ठीक है, तो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड पीपल अराउंड यू यू लव, सो योर लाइफ फोर्स. सो कीप अ स्टेट ऑफ माइंड क्लियर. मैंने वो जो तीन रूल बताए, एक्सेप्टेंस, नंबर टू ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल. कीप योर स्ट्रेस लेवल लो, डोंट गेट कॉट अप इन अदर पीपल्स बुलशिट. एंड लास्ट वन इज द ब्रेथ. नाउ दिस इज व्हाट आई टीच वेरी पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज व्हिच क्लीन द नर्व्स. वी डोंट हैव इनफ टाइम बट इंशाल्लाह वी विल डू इट टुगेदर वन डे. जिससे एवरी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिदम ऑफ द ब्रेथ. नोटिस किया कि जब गुस्से में होते हो तो आपकी एक सांस बड़ी शॉर्ट एंड शार्प हो जाती है, जब आप खुश होते तो आप बड़े डीप ब्रेथ करते हैं, लॉन्ग, और बिल्कुल पीसफुल होते हैं तो आपकी सांस महसूस भी नहीं होती, इतनी वो सिल्की और बारीक और खूबसूरत फ्लो करी होती है. तो हर मेंटल स्टेट का, तो थ्रू द ब्रेथ यू कैन कंट्रोल आवर माइंड एज वेल. सो स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ. इफ यू अपसेट, टेक डीप ब्रेथ्स इन, राइट, फॉर फ्यू मिनट्स क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट, एंड यू नोटिस योर स्टेट ऑफ माइंड स्टार्ट्स क्लियरिंग आउट. देयर आर मेनी मोर एडवांस्ड टेक्निक्स विच कैन कवर. There are techniques which can take you into very deep states, but that takes longer. And we will, inshallah, meet again and go through some of that stuff. But there's one more thing. 80% of our toxins are released through our breath. 80%. This is the biggest organ. The carbon dioxide, other toxins are released through it. And most of us only use 25 to 40% of our breath, lung capacity. So there are a lot of breathing exercises which open up. If nothing else, I recommend you should go for a walk every day, some physical, because it gets the circulation going, the breathing going again, right? Keeps energy high, keeps you more present,
कनेक्टेड. इफ यू डू वॉक इन नेचर इवन बेटर, स्विमिंग कर सकते तो वो भी बहुत अच्छा है. ऐसी चीज है जिसमें आपके रिदमिक ब्रेथ हो, थोड़ा सर्कुलेशन हो और ब्रेथ वर्क हो, तो उससे आपकी एनर्जी लेवल उठ जाती है. ठीक, तो ये बहुत छोटी सिंपल आइडियाज है. इफ यू गेट मोर माइंडफुल, नॉट ओनली विल यू बी मोर सक्सेसफुल, योर कंट्री विल बी बेटर, पीपल विल बी हैप्पियर. वन गुड पर्सन, आप घर में देखेंगे, ये घर में एक बंदा परेशान होता है, गुस्से में होता है, पूरा घर अपसेट हो जाता है. और एक बंदा सुकून पे होता है, वो पूरे घर को सुकून में ला सकता है, इसी तरह पूरे मुल्क को ला सकता है. ये कहावत है मेरे गुरु की के उस्तादों की, के देखो अपने को इतना बुलंद करो. हमारे इकबाल, अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ी बात की थी कि अपने को इतना बुलंद करो कि अल्लाह आपसे पूछे कि आपके साथ क्या है. उसका मतलब ये कि मैं छोड़िए कि आप कमरे में जाते हैं ना, लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ यू बीइंग पुल्ड डाउन, यू लिफ्ट अप द एनर्जी. योर एनर्जी शुड बी सो हाई दैट यू कैरी एवरीबॉडी विद यू इन पॉजिटिविटी, एंड दिस इज वेयर योर पावर विल कम थ्रू. Take responsibility, make it happen. Thank you very much. It's been a pleasure being with you. I'll hand it over to Umair. Thank you, Naeem. That was powerful. Freedom meditation. Naeem Zamindar, if I may bring you back and just thank you in person. Thank you for making the time, for doing this on screen. And thank you all those who stuck with us. We understand it's very difficult. Mobile pe karna aur aap mein se bahut saare log phir bhi shamil rahe. Aapka bahut shukriya. Naeem, ek jaate jaate Atib keh rahe hain ke gratitude to sahi hai, lekin jo mushkilat mein main phasa hua hu, मैं कैसे लेट गो करूं? जस्ट बिकॉज नईम ने कहा था छोड़ो, दफा करो और मेरे मुश्किलें हल हो जाएंगी. व्हाट वुड यू से टू दैट? देखिए, मैंने कहा था ना ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब कि देखो, मुश्किल वक्त हर इंसान, इंस्टेड ऑफ यू सेइंग ओ माय गॉड मेरे साथ ये मुश्किल आई है और उसमें आप फंसे रहे, यू हैव टू लेट इट गो. यस, देयर इज अ टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू फुल फोकस टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बट इफ यू कीप कैरिंग इट इन योर हेड, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, don't want. So if your attention is on the problem, you're not solving it. So first learn to open a knot. What do? You relax it, you open, release it, and the knot opens easily. If you keep pulling on it, it gets tighter, right? So very simple. Take some time out. When these things happen, sit down quietly, take 10 deep breaths, just be for a little while. Observe in your body. For example, if you're feeling like tight in your, it could be a love affair, right? So it's a tightness in your chest, that's your problem, your she's not responding. Just be with your heart, just observe it until it dissipates. Whatever that feeling is will release itself and the solution will come to you. Whatever needs to happen will happen to you, and don't resist it. Be with it, accept it, honor it, smile at it, and then the solution will show up. That's it. Wow. Thank you, Naeem. Sorry for holding you on that last one. I didn't want to let that one go. This was Naeem Zamindar. What a wonderful man he is. Thank you for making the time, for making us aware of ourselves. Aapne hame break lagwaya. Bahut maze se aap. Maine bahut kam logon ko aise dekha hai ki wo live screen pe is tarike se itne relaxed. Not caring what is happening and doing the job. And so I'm glad we had Naeem. He demonstrates the subject itself and he teaches it. Do look him up. Naeem Zamindar loves teaching this. Art of Living is a wonderful course and I highly recommend it. We are celebrating Pakistan's 74th Independence Day. Hamari wish hai ke Pakistan mindful kaum bane. Hum 4 baje ek panel discussion karenge. We have a couple of minutes, so we'll be back shortly.
Mindful Pakistan, because mindlessness is not worth it. I've had the privilege, mera kaam mein logon ke saath milna, TORC musalsal training programs organize karti hai mukhtalif idaron ke saath, aur usme beshumar perspectives dekhne ko milte hain, sunne ko milte hain, log action mein nazar aate hain, aur ye shayad hamari assumption ho ki hum mindless hain. Hum mazid janenge do aisi shakhsiyat se jo ke development ka kaam karti hain Pakistan mein aur khud बहुत ही माइंडफुल शख्सियत हैं, और जैसे बात करती हैं जो इनका अमल है उसने इंस्पायर किया है बेशुमार नौजवानों को. आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद शिरीन नकवी फॉर गुड डेकेड ऑफ माय लाइफ, जो मेरी ट्रेनिंग के शुरू के साल. शिरीन इज फाउंडर स्कूल ऑफ लीडरशिप, फाउंडर स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन, शी इज़ पार्ट ऑफ कार्निलियन एंड हैज हैड अ बिग इम्पैक्ट आई वुड से ऑन द यंग पीपल इन द कंट्री. और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि हमें उनकी बातों ने, उनकी स्टेज से ज़्यादा उनका डे टू डे बिहेवियर ऑफिस के अंदर, उनकी बातचीत, उनकी लोगों से गुफ्तगू, चैलेंजेस को डील करना, दैट इज़ व्हाट वाज़ इंस्पायरिंग. सो आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव शिरीन नकवी. थैंक यू वेरी मच रिनापा फॉर मेकिंग इट विद अस. आर यू देयर? यस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी एंड मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद. Pakistan Zindabad. What lovely energy. Sadaf jo hai wo, I think she's disconnected, so we'll have her shortly. How are you feeling? On top of the world. And we have some love for you. Rehan says hugs. Sara, Farida, thank you all of you jo hamare saath jude hue hain. Thank you Srinapa for making it to TORC event. Mindfulness we want to promote, and a lot of our work is geared at fostering that. Kaise dekhti hain aap mindful action ko, kya hai ye, aur kya ye baat durust hai ki hum mindless qaum hai zara compared to other nations? Maybe bahut pyara topic choose kiya hai, I just love it. Aur Naeem ne bhi is pe badi achhi achhi baatein batayi hain. Hame pata nahi hai ki mindful mindless jitna bhi padhne kam hai. देखो मेरा, हमारा माइंड बहुत फुल है, बहुत ज़्यादा फुल है. किस चीज़ से फुल है? कभी कोई माइंड माइंडलेस नहीं होता. देयर इज नेवर अ माइंड विच इज़ माइंडलेस. अगर हम इसको मैनेजमेंट या साइकोलॉजी की लैंग्वेज में लेके चलें, तो व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय माइंडफुल बिहेवियर इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, राइट? हमारे पास conscious incompetence hai, so we are not a case of mindless or mind empty. Hum pehle to ye dekho ki mind bhara hua kis cheez se hai, to action bhi hi hoga, chahe wo political level pe ho, hamare social level pe ho. Even when I was looking at the beautiful national anthem which you were playing just before this segment started, all I could see was people, buildings, nature, history. देर इज, जितने मैं पाकिस्तान के तराने के वर्जन्स देखती हूँ उसमें यही चीज़ें होती हैं. देर इज़ वेरी लिटिल इंडस्ट्री जहाँ फिर फैक्ट्रियों पे काम हो रहा हो या हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन हो रही हो. तो हमारा माइंड जो भरा हुआ है वो इन्हीं चीज़ों से है. पीपल यानी रिलेशनशिप्स, नेचर यानी एग्रीकल्चर, वी आर, दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स. ये हमारे दिमाग में भरी हैं. और बाकी भी मैं, एज द डिस्कशन गोज ऑन वी कैन एनालाइज के हमारे माइंडफुल में क्या फुल है. तो आप सदफ को ले लीजिए पहले. हाय सदफ. थैंक यू. हाय सदफ, सॉरी आई ब्रॉट यू इन बिकॉज़ आई डिडंट वांट यू टू लीव अगेन. थैंक यू फॉर जॉइनिंग सदफ आबिद. सलाम वालेकुम. Is it just me or Sadaf is... Srinapa, can you hear Sadaf fine? No, she's gone now. Okay. Yeah, I think she has connectivity problem. But meanwhile, I'll just introduce Sadaf. Brings with her exceptional experience of setting up a microfinance institution. She's had the INSEAD experience and these days is busy running an organization called Circle. जो के यंग खासतौर से लड़कियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स और उनको एम्पावरमेंट में रोल प्ले करता है. तो सदफ इज फैंटास्टिक एट व्हाट शी डज एंड ट्रू सोशल एंटरप्रेन्योर एंड वेरी वेरी अवेयर. आई हैव सीन हर
So I thought she'd be great to comment on this. So let's wait for her to come back. But we'll march on with you, Shipa. You said that mind already bhara hua hai. Sawal hai kin cheezon se bhara hua hai. And then you also mentioned that agriculture and relationships. Ye hamare dimag mein zyada bhari hai. Would you like to finish what you were saying? You paused yes, for Sadaf. As a child myself, having grown up in Peshawar and having gone to the school over there, then through Kanet College Lahore, all my upbringing with my friends, looking at them, looking at the wider spectrum, because I've mentored hundreds of young people, worked with so many brilliant minds. Kya hota hai, kya inke dimag mein bhara hota hai? To shuru se, agar hum formal education ko pehle utha lein, तरबियत को रहने दें, एजुकेशन को ले लें, तो हमारी एजुकेशन में क्या आता है जी, हमें सबसे पहले असेंबली में खड़ा कर दिया जाता है रोज़ाना, और असेंबली में हमें लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये सिखाया जाता है। उस उम्र पे क्लास वन में क्लास टू में ये इकबाल की दुआ हमें समझ नहीं आती, हम रटे हुए लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, बहुत कहीं दीवारों पर कहीं ना कहीं यूनिटी फेट डिसिप्लिन लिखा होता है, फिर कोई ना कोई आयत पढ़ी जाती है असेंबली में, अरबी में होती है वो आयत, अरबी भी हमें समझ नहीं आती क्योंकि वो हमारी ज़बान नहीं है, हमें इस्लामियात में भी आयतें रटवाई जाती हैं, वो हमें रिप्रोड्यूस भी करनी होती हैं, उनके रटे हुए मानी होते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होता। फिर हम फॉर्मल एजुकेशन को आगे लेके चलें तो फिर फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लैब्स में, बेताशा फाइन वंडरफुल चीज़ें। एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त है, चाहे मैं किसी भी गांव के गवर्नमेंट स्कूल में जाके बैठती हूँ, वहाँ भी मैं देखती हूँ यही हो रहा है जो मुझे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में मिला था। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है जो हमें घर में मिलती है, वो आती है, वो हमें जहाँ हम उठते हैं, बच्चा उठता है कुछ भी करने, तो उसको बता दिया जाता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है, उसको कहा जाता है तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगे, तुम गंदे हो जाओगे, और ये वाले लफ्ज़ हमारे माइंड में फुल हो जाते हैं, यही हमारी स्क्रिप्ट बन जाती है और हमारे पैटर्न्स बनते हैं ऑन विच वी अप्लाई आवर सेल्व्स इन ऑन अ डेली बेसिस। जो भी हम करने जाते हैं, हम कहते हैं ना इनोवेशन करो, पाकिस्तान में इनोवेशन हो, जब भी हम कोई हाथ बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, तो अंदर से एक सबलिमिनल आवाज़ आती है, चोट लग जाएगी, गंदे हो जाओगे। फिर होता है गंदे कैसे हो गए, अगर बाहर से खेल के आए हो तो ज़मीन आप पे लग जाए, मट्टी लग जाए तो आप गंदे हो, जिस ज़मीन को गंदा कहा जाए, जिस धरती को गंदा कहा जाए, अगर वो मेरे कपड़ों पे लग जाए, कपड़े क्या हैं, कपड़े तो धुल जाएंगे, लेकिन वो मेरी लग जाता है तो मुझे कहा जाता है मैं गंदी हो गई, तो फिर उस धरती से प्यार नहीं हो सकता जिसको एक तरफ गंदा कहा जा रहा हो। उसी धरती पर निकल के हम थूकते भी हैं, उसी पर हम हर किस्म का गंध करते हैं, और झुक के कमर को ज़रा सा झुक के उठाना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। मेरे ख्याल में एक ही हल है कि हम अगर इस मिट्टी से प्यार कर लें। मैं आपको आज 14 अगस्त पे दावत देती हूँ सारे लोगों को, ज़रा बाहर जाएं और इतना सा ऐसे करें और रोड पे लगा के वापस से ऐसे करें और देखें इस मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी है, कितना जायका प्यारा है। इसी से आप वुजू भी कर सकते हैं, पहले आप इस मिट्टी से प्यार करें, फिर आप अपने सारे माइंड को नए रिफ्रेश बटन दबाएं और फिर बात करें तरक्की की। वाओ, दैट्स वेरी स्ट्रांग। सदफ, कैन यू हियर अस नाउ? आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय इंटरनेट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई perfectly fine before, so I've readjusted and I hope you can hear me. जी, we can and it's great. Video, audio दोनों सही हैं, thank you. हम आप आगे बढ़ चुके, सवाल सदफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माइंडफुल एक्शन आपके लिए क्या है, और क्या पाकिस्तान माइंडलेस कॉम है? आप कहते हैं कि हम माइंडफुलनेस लैक करते हैं, what's your take on it? So मेरे ख्याल में उमेर, actually this is not just a पाकिस्तानी issue, I think this is a humanity का एक dilemma है कि we are not living with awareness, with mindfulness. So मैंने बल्कि I have also lived in that same state. So I think this is a common syndrome. What I have learned is that when you're living in awareness, पूरी कायनात जो है वो आपको support करती है.
So you're in a state of flow. And I have experienced this because आप जो करना चाहते हैं आपकी नियत अच्छी हो आपके अंदर ख्वाब हो and you know literally आपके लिए दरवाजे खुलते हैं आप ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं वो पूरे काम में आसानी हो जाती है that is the state of being intentional mindful aware so yes हम पाकिस्तान में इस तरह नहीं अक्सर लोग ऐसे नहीं रह रहे but ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में ऐसे नहीं रह रहे we are also busy doing but that is not intentional doing and you know I think pandemic ne thoda slow down of course kiya hai isse ek awareness raise hui hai ki ye jo mindless busyness hai life mein iska kya maqsad hai you know so main bhi isi se guzri hu umair ke pehle mere mein bhi hota tha ki you know ek cheez achhi ho gayi for example circle ki now I'm thinking what's next next ki planning next mein so you're not even celebrating jo aapne achieve kiya hai आप उसको रिकग्नाइज करें उसको अचीव उस अचीवमेंट को उसको सेलिब्रेट करें उसको महसूस करें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें आई थिंक लिविंग इन दैट स्टेट इज़ सो ब्यूटीफुल और आपकी ज़िंदगी में वो आसानी आती है आपके काम में बरकत आती है आपका सब कुछ आसान हो जाता है सो सो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टेट टू बी इन एंड आई थिंक वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट स्टेट एम आई ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट्स व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ नाउ व्हेन आई एम फीलिंग एंग्जाइटी or stress I just sort of slow down and I focus on my breath and I bring my attention back to the present moment and I try and be intentional wow thank you Sadaf for a comprehensive answer there I'd like to take the breath part jo nahi pehle kara rahe the breath wali part agahi aur ye ikhtiyar hai hamara ki hum saans abhi aap ikhtiyar mein le sakte hai na और एक्सहेल ज़्यादा करें तो आप इनहेल बेहतर करेंगे एंड दे से दैट व्हेन यू टेक चार्ज ऑफ योर ब्रेथ यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ ऑल अदर थिंग्स टू फॉलो यू सेड समथिंग एल्स वेरी ब्यूटीफुल आई लर्न दैट रिसेंटली के यू आर पावर्ड अप विद द बेस्ट ऑफ द आंसर्स व्हेन यू पुट योर सेल्फ आउट ऑफ द वे व्हेन यू पुट योर ओन ईगो आउट ऑफ द वे एंड व्हेन यू जस्ट बी तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है नॉलेज का जवाब का जो कि आपको अदरवाइज उस स्टेट में नहीं आ रही होती जिसकी आप बात कर रही थी बहुत खूबसूरत विदास आर सदफ आबिद एंड शिरीन नकवी वी आर स्पीकिंग ऑन माइंडफुल पाकिस्तान यू कैन जॉइन इन प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस सवाल पूछें बहुत सारे लोग कह रहे हैं अगर हम उर्दू में ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आई'ड लाइक टू नो के mindful action so help us visualize a mindful pakistan I understand that this is not just a pakistani problem but because we are doing this for pakistan we want to see a better pakistan and mindfulness can be a great opener there it can lead to log kehte hain aman aa jayega log kehte hain ki hum zimmedari lene wali kaum ban sakte hain hum apne space se leke auron ke space all of it can come into all the pieces will come into the right place if we are mindful help us visualize ki ye kaise hoga mindfulness ye kaise help karegi so in small and big actions for umair as a pakistani how will it change the country if all of us become that and what does it look like okay Sadaf, go ahead acha thank you Shireen and मेरे ख्याल में इट रियली स्टार्ट्स विद फोकसिंग ऑन योर सेल्फ देखें आप हम अपने मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ पहले मुझे अपने आप को तब्दील तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए ज़िम्मेदारी लूँ और आई थिंक वो स्टार्ट होता है बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट एम आई सराउंडेड बाय मेरे इर्द गिर्द जो है मैं अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करूँ मैं अपनी थाट्स को पॉजिटिव रखूँ मैंने तो अब ये प्रैक्टिस की है उमेर कि मैं जब सुबह उठती हूँ आई कीप एन आर अपने लिए ठीक है दिस इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर मी बाय द वे बिकॉज आई वाज अ वर्कहोलिक एंड अब मैं ये क्या करती हूँ मैं नेचर में बैठती हूँ मैं मेडिटेट करती हूँ 15-20 मिनट के लिए मैं जर्नलिंग करती हूँ एंड आई जस्ट फील कि आज मैं दिन में क्या महसूस करना चाहती हूँ कैसी स्टेट में मैं दिन गुजारना चाहती हूँ जॉयफुल पीसफुल रिलैक्स अबंडेंस जो भी आप एहसासात जो है आप अपने अंदर रखना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ दिस दिस इज़ स्टार्टिंग अ डे विद इंटेंशन पहले क्या होता था
जल्दी से नाश्ता किया, दफ्तर भागे, यू नो, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग. सो अब एक तो दिन को आप इंटेंशनली स्टार्ट करें, देन बिफोर एवरी मीटिंग, जिस तरह अभी हमने भी जो डिस्कशन की, तो मैंने 3 कॉन्शियस ब्रेथ्स लिए. ब्रीदिंग इज सो पावरफुल, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं अवेयरनेस के साथ तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हमारे सिस्टम में ऑक्सीजन जाती है ज़्यादा, हमारे अंदर ताकत आती है, ठीक है, और एंग्जाइटी स्ट्रेस चला जाता है. तो मैं एक चीज़ चेक इन करती हूँ एवरी आवर, इफ़ आई रिमेंबर, एम आई अवेयर, यू नो, एम आई जस्ट गेटिंग बिजी कि मैं डूइंग कर रही हूँ अब इस मीटिंग उस मीटिंग, और एम आई इंजॉइंग इट, यू नो, और वो फीलिंग कैरी करना कि कायनात मुझे सपोर्ट कर रही है. मेरे ख्याल में अगर हर पाकिस्तानी ऐसे सोचे कि पूरी कायनात जो है वो मुझे सपोर्ट करे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है. अभी अभी अगर हम तीनों सोचें, पाकिस्तान तो ये सोचता है कि पूरी कायनात पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है, और सदफ आबद कहती है कि पूरी पाकिस्तान से गुजारे कि कायनात मुझे सपोर्ट कर रही है, इंडिविजुअली भी, और हमारे मुल्क को भी, और पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को. देखें, हम सब मिले हुए. एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरकनेक्शन का, उमेर, आप, मैं, दूसरे लोग, कल्चर्स, रिलीजन्स, हम सब एक हैं एक्चुअली, वे आर ऑल कनेक्टेड इन बीइंग एंड स्पिरिट. सो आई थिंक ये बहुत अहम चीज़ें हैं. एंड ग्रैटिट्यूड, जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, आई थिंक एज अ नेशन, आप लोग अगर एग्री करेंगे, हम बहुत क्रिटिकल हैं, हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ऑन व्हाट्स नॉट वर्किंग. सो लेट्स लुक मोर एट व्हाट इज़ वर्किंग. जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं उन, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है जब आप बात करते हैं अबाउट व्हाट्स वर्किंग. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि व्हाट्स नॉट वर्किंग को फिक्स नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन एक डिफरेंट हमें एनर्जी लेके आनी है. एंड हमें एक क्रिपिंग नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, उससे नहीं, हमें एक पॉजिटिविटी, थिंग्स आर वर्किंग आउट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, द नेशन इज मूविंग फॉरवर्ड, वी कैन डू दिस टुगेदर, वो एनर्जी लेके आनी है. Wow. Thank you, Sadaf, for sharing how you visualize. And I like how you said we are all connected, or disconnection ab zyada masail ki taraf lead karta hai. When we see each other as part of the same body, it makes a whole lot of a difference. Arshinappa, would you help us visualize a mindful Pakistan? Hamari harkatein kya hongi, choti badi? बिल्कुल. अभी ये फरिया का भी बड़ा अच्छा कमेंट आया, इट्स अ डिफरेंट लेवल व्हेन यू आर एंजॉयिंग समथिंग. बिल्कुल सदफ ने ठीक कहा, बट सदफ एक्सप्लेन टू मी समथिंग, यू कंप्लीटली कंफ्यूज्ड मी, सो आई एम गेटिंग इनटू दिस डिबेट मोड. फर्स्ट यू सेड व्हेन यू आर अवेयर यू देयर इज इंटेंशन एंड देन देयर इज फ्लो. डोंट यू थिंक वी आर अवेयर एट व्हाट एज यू हैव डिफाइंड इट, डोंट यू थिंक वी आर अवेयर के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सफाई नफ्स ईमान है. तो फिर इफ वी आर अवेयर ऑफ इट, तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता? या हम अवेयर ही नहीं और बोल रहे हैं सिर्फ, आई एम लॉस्ट देयर. देखिए, आई थिंक द ईगो इज इन ईच वन ऑफ अस, द ईगो इज देयर इन ईच वन ऑफ अस, एंड अवेयरनेस डज नॉट नेसेसरली, यू नो, आई एम रियली टॉकिंग अबाउट डीप अवेयरनेस वेयर डे टू डे, मिनट टू मिनट, I am living my values. You know, it's living those principles and values. So yes, I may be aware this is going to harm me or my family, or this should not, cleanliness, garbage may phekna chahiye, but I think a lot of us are living unconsciously. We're not living consciously. We're so just in on autopilot. Hum autopilot pe chal rahe hain. Iska matlab hai ki mujhe yaad bhi nahi hai ki maine wo wrapper gaadi se phek diya, maine bas phek diya, and I went on, and then I went on to the next thing. And you know, if living with intention means, if I am sipping this green tea at the moment, I am really enjoying and absorbing it. I am not thinking of 5 things at the same time. So mere khayal mein intention, awareness, living really means ke aap present hain, आप इन टच हैं विद योर रियलिटी, विद पीपल अराउंड यू, आप अपना इम्पैक्ट देख रहे हैं. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट आई एम हैविंग ऑन पीपल एंड माय एनवायरनमेंट? मेरे ख्याल में हम ये सवाल नहीं पूछते अपने आप से, मेरा क्या इम्पैक्ट है. वी आर ऑल जस्ट इंटरेस्टेड, आई वांट मोर मोर मोर, आई वांट मोर फेम, आई वांट मोर यू नो रिकॉग्निशन, या आई वांट मोर मनी, आई वांट द टाइटल, डा डा डा, वर्सेस सीइंग यू नो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट आई एम हैविंग, वेयर आई एम टुडे.
Okay, so I get the point. It's about what the outcome that you're talking about. So, Umair, back to your question. Thank you, Sadaf. That has given me some clarity to give you your answer. Is that impact, all right? Sadaf, those are the words Sadaf used. So when we see it happening, जब वो एक्शन में उतर आती है चीज जो हमारा ख्याल होता है जब उसको हम हकीकत में बनते हुए देखते हैं फिर हमें बिलीफ आता है तो हम इस ओकेजन पे क्या तुमने कहा कि अब हम क्या करें टू बिकम मोर माइंडफुल बिल्कुल यही कि हम सुनते तो हैं चाहे वो आयतों में हो पोइट्री में हो वेरी पावरफुल वर्ड्स खुद ही को कर बुलंद इतना मिटा दे अपनी हस्ती को तुम दिए बादे मुखाले तेरी बहर में मौज नहीं ऑल ऑफ दैट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बट व्हेन वी डोंट सी इट हैपनिंग व्हेन वी डोंट सी द इम्पैक्ट यानी कि कराची में तीन तलवार पे लिखा हुआ है क्लिफ्टन में यूनिटी फेट डिसिप्लिन लेकिन उसी के गिर जो ट्रैफिक घूम रही है उसमें वो नजर नहीं आता लेकिन जब हमें वो नजर आने लगेगा तो अब हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या करना है इन्हीं लफ्जों को जो हम कह रहे हैं जिनकी हम जो हमारी शान है हमारी आइडेंटिटी है हमारी शनाख्त है जब हम इनको जब तक हम इनको अमल में नहीं लाएंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने किसी को 9 बजे बुलाए अपनी मीटिंग पे तो वो भी 9 बजे आए तो फिर मैं भी किसी के लिए देर ना करूं तो मुझे जो चीज़ें नहीं पसंद अगर मुझे नहीं पसंद कि उमर तुम मुझसे झूठ बोलो तो मैं भी किसी से झूठ ना बोलूं माइंडफुलनेस इतना आसान है और एग्जैक्टली सदफ सेड ये मेरे से शुरू होता है मैं पहले देखूँ अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई डोंट लाइक एंड व्हाट आई लाइक दोज आर माई वैल्यूज मैं किस चीज़ को अपनी इकदार बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है मुझसे सच बोला जाए मुझे रिस्पेक्ट दी जाए मुझे ट्रस्ट किया जाए मुझसे हमदर्दी की जाए तो फिर मैं भी यही दूँ ना लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे चाहिए 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 तो फिर कहीं नहीं जा रहे फिर हमें दुनिया से चाहिए वर्ल्ड बैंक से चाहिए IMF से चाहिए यूनाइटेड नेशंस से चाहिए व्हाटएवर और ये सारे लोगों से चाहिए हम जब देना शुरू करेंगे मुझे याद है 35 years ago जब चाइना में एक बड़ा शदीद अर्थक्वेक आया था तो दुनिया खड़ी हुई थी और चाइना को ऑफर किया था कि वी आर कमिंग टू योर हेल्प हम आपकी मदद करने आते हैं तो चाइना ने अपने पाँव पे खड़े होके उस वक्त बड़े शुक्र और हम्बली कहा था थैंक यू वेरी मच हम खुद कर लेंगे वील डू इट आर सेल्फ बस जिस दिन हम ये खड़े होके कह सकते हैं ना मैं कर लूंगी मैं कर लूंगा बजाय ओए इधर आओ मुझे पानी का ग्लास ला के दो ओए इधर आओ ये यहाँ से मेज साफ करो स्टॉप लेट्स स्टॉप डूइंग दैट हमने बच्चों को भी आदतें डाली है कि घर में एक चीज इधर से उधर नहीं करते ट्रेजिक सॉरी नो नो गो ऑन आई वाज जस्ट प्लेइंग अलोंग या आई मीन दैट्स द थिंग अब बात ना करें मेरे लिए एग्जांपल ऑलवेज इज सतारीदी साहब जिन्होंने ना कोई बिलबोर्ड लगाया ना कभी कोई इश्तिहार टीवी पे आया कि मुझे पैसे दो लेकिन उनको मिल जाते थे हमेशा मिल जाते थे 8वीं जमात पास आदमी कैसी जबरदस्त मार्केटिंग करता था खामोशी के साथ सिर्फ इम्पैक्ट के जरिए उसने कराची में पाकिस्तान में जितनी भी सड़कों के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं वो सारे नामों को ज़रा गौर से देखें वो लोग हैं जिन्होंने अमल किया था इम्पैक्ट किया था सिर्फ बातें नहीं की थी थैंक यू ट्रू आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट दैट एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड द सेम कि यही प्रॉब्लम है कि एक्शन में नहीं आता बड़ी बड़ी बातें आपने कुरान की बात की इकबाल की शायरी देन डे टू डे हम बहुत बड़े ख्याल सुनते हैं और वो या तो हमारे दिमाग में हाँ ये तो करने वाली बात होती है ना और हकीकत तो कुछ और होती है जिसका कुछ लोगों ने ऐसे और भी बताया है कि जिस तरह ये तो आप ट्रेनर्स की बातें हैं ना ये तो आप सर्टन सर्कल ऐसे सदफ आप सर्कल चलाती है ना आप एक सर्कल में भी हैं कुछ लोगों के लिए आप उस सर्कल में ऐसे होता है लेकिन हमारी लाइफ में पॉज का मौका नहीं है हमारी लाइफ में माइंडफुलनेस का मौका नहीं है वी टू बिजी वी हैव टू गेट अप एंड गेट टू एक्शन सो लेट्स एड्रेस दिस आई वुड लाइक फॉर यू टू एड्रेस इट आई हैड दिस क्वेश्चन अराउंड अवेयरनेस कि कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आप ये जानें कि उसको नहीं पता इस काम की इम्पोर्टेंस क्या है या वो जो कर रहा है उसका
उसकी वजह से डिजास्टर क्या क्रिएट हो रहा है, राइट? एंड जस्ट प्रे दैट विश दैट ही हैड नोन बेटर. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, दैट अवेयरनेस लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाट वी हियर. तो क्या हमें पता होना और अवेयरनेस जो सदफ इम्प्लाई कर रही है और शिनापा आप भी लफ्ज इस्तेमाल करी, क्या इसमें फर्क है पता होने में और जान लेने में, और ये एक्शन पे क्यों नहीं आ रहा हमारे लिए? देखिए आई थिंक यू नो मैं जिस तरह बात कर रही हूँ कि अवेयरनेस व्हेन इट रियली डीपली सिंक्स इन और आपको ये एहसास होता है कि यू आर ऑल इंटरकनेक्टेड, यू नो वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. अगर और ये पेंडेमिक से तो बहुत, ये वायरस से क्लियर हो गया, राइट? ये वायरस डिफरेंशिएट नहीं कर रही अमीर गरीब कौन सा मुल्क ये वो, हम सब पे इम्पैक्ट हो रहा है. सो ह्यूमैनिटी जो है इस वक्त फ्रैगमेंटेड है. हम इस तरह नहीं ऑपरेट करते कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम एक हैं, हमारा प्लानट है. अब आप सोचिए लेवल ऑफ अवेयरनेस ये है कि वही प्लानट जो हमारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं हम उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. मतलब दिस इज़ शॉकिंग, राइट? कि जो आपका अपना घर है जो कि अगर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय पोल्यूटिंग इट, बाय नॉट लुकिंग आफ्टर इट. सो ह्यूमैनिटी इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस. एंड आई थिंक वो आपकी बात सही है, वी हैव बिकम टू बिजी डूइंग थिंग्स, जस्ट डूइंग. और ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि यू नो आई वॉन्ट टू बिकम एक्स पोजिशन, एक्स टाइटल, एक्स मनी, मेरा घर होना चाहिए, मेरा लैपटॉप, स्मार्टफोन, डाटा डा गैजेट्स, यू नो इन चीज़ों की एक्चुअली दीज आर टेम्प्ररी हैप्पीनेस. ये सब चीज़ें जो हैं, जो एक्सटर्नल ये सारी चीज़ें हैं, येस दे मे इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट ये आपको सस्टेन्ड जॉय नहीं देंगी. Sustained joy comes from living with awareness and being in a state of gratitude. Aap jahan bhi hain, mera to ye paigham hoga, aap jis jagah bhi hain, start with being thankful for something. Chahe wo choti ho, aapne ek cup of chai piya aur aapko wo, aap uske liye thankful hain. Like, you know, just appreciating that. And just being more intentional about your impact on people, jo aap keh rahe hain, kya aap kar sakte hain. And, you know, starting small, Umair, Circle started from nothing 4-5 years ago, you know. And I tell you this, pehle meri ye thinking hoti thi ki main pura ek strategy banati thi aur budget kahan se aayega aur team jo hum sabko sikhaya jata hai, right? Ke hume puri planning karni hai, 5-year plan, resources, da da da. I'm not saying ye important nahi hai. But what I have realized through life, isse aur bhi zyada important is your state of awareness and your intention. If your intention is there that I want to make this succeed, maine kuch banana hai aur ye main is purpose ke liye kar rahi hu, main isse ye impact leke aana chahti hu, to jis tarah maine pehle baat ki thi, kainat aapko support karti hai, you know, aapke liye aasani hoti hai, cheeze grow karti hai. Shield of Tech jo hamara competition hai, first year there was no funding for it. आज HBL उसको सपोर्ट कर रहा है. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द कंट्री. UNDP इज अ पार्टनर फॉर लास्ट 2-3 years. न्यू पार्टनर्स आर कमिंग इन. यू नो डिजिटल लिटरेसी प्रोजेक्ट में वी हैव UN Women. हाउ इज ऑल दिस हैपनिंग? आई एज सदफ आबेद कांट टेक क्रेडिट फॉर इट. आई रियली बिलीव एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट देयर इज अ बिगर फोर्स दैट रियली वांट्स के इस मुल्क की खवातीन आगे बढ़ें, इस मुल्क के घराने आगे बढ़ें. देयर इज अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस. And we have to learn to tap into that intelligence. You know, aap dekhe flowers, grass, nature ko dekhe. There is a universal intelligence operating, right? Ek seed se ek tree ban jati hai. So there is this force, and that force is there everywhere. So agar hum us force se align hoenge, aur alignment kaise hoegi? We live with integrity. If we live in a state of gratitude, if we live in a state of acceptance, abundance, wo alignment hoegi aur aasani paida hoegi. So I think as a nation we need to tap into that energy first at an individual level, then at group level and organizational level, at all levels. Thank you, Sadaf, for that. You mean deep-rooted awareness. I'd like to, Shinapa, if you can please open that up, ke, as a trainer, pata hona janna
अवेयरनेस टू एक्शन, ये क्या गैप है हमारे लिए, आप इसको क्या समझिए? यू आर सेइंग, यू आर आस्किंग अस टू एक्ट एंड आई एम आस्किंग यू व्हाई आर वी नॉट एक्टिंग, व्हाट इज स्टॉपिंग? या दैट वाज माय प्रीवियस आंसर, बिकॉज वी डोंट सी इट हैपनिंग. देखो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ. इन 1977 एज अ स्टूडेंट इन माय कॉलेज आई वाज चोजन अमंगस्ट फाइव स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू गो टू जापान एंड वी हैड अ 2 week wonderful tour of Japan with, you know, highly organized. 1977 में हमें पाकिस्तान में जो 3 महीने पहले प्रोग्राम का शेड्यूल मिला था कि ट्रेन हमें ओसाका लेके जाएगी एंड 2 minutes past 3 पे दरवाजा खुलेगा, तो जब एक्चुअली भी हुआ तो 2 minutes past 3 पे ही दरवाजा खुला था. तो इट्स नॉट अबाउट के सवा ढाई पौने, नो, इट्स अबाउट दोज मिनट्स एंड सेकेंड्स. अच्छा, आखिरी दिन हमें कोई टाइम नहीं था, सिर्फ आखिरी दिन 4 घंटे थे एयरपोर्ट जाने से पहले. तो हम पाकिस्तान टीम ने कहा आप क्या करें, वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी लाइक. तो हमें कहा कि हम उस जमाने में मॉल्स नहीं होते थे, हमने कहा चलो मॉल चलते हैं. अब हम, मैं जब मॉल का पहला दरवाजा खोला, वो डबल डोर्स होते हैं ग्लास के, मैंने जब पहला दरवाजा खोला तो अगले दरवाजे पे एक 4 साल की बच्ची उस दरवाजे को खोल रही थी. अच्छा, उस दरवाजे के शीशे के दरवाजे पे एक मेटल की प्लेट लगी हुई थी, वेर यू सपोज टू पुट योर हैंड टू पुश इट, ताकि हैंड प्रिंट हर जगह ना लग जाए. वो छोटी सी बच्ची का हाथ नहीं पहुंच रहा था उस मेटल प्लेट पे, उसने अपने को खींच के टिप टोज पे और अपनी उंगलियों से पहुंच के जोर लगाया, क्योंकि बड़ा भारी दरवाजा था शीशे का. एंड शी मैनेज टू ओपन द डोर, जितनी उसका उतना साइज था. एंड शी वॉज पासिंग थ्रू, व्हेन शी लुक्ड बैक शी सॉ मी एंड शी स्टार्टेड ओपनिंग द डोर टू माय साइज. अब मैंने जब उसकी तकलीफ देखी तो मैं भाग के मैंने उससे वो दरवाजा ले लिया. मैंने अभी मुंह खोला ही था उसको शुक्रिया कहने के लिए, तो सामने उसकी माँ खड़ी थी, वो भाग के अपनी माँ के पास चली गई. अब क्या ये 4 साल की बच्ची, वहां जापान में 6 साल का बच्चा स्कूल जाता है, ये अभी तक स्कूल नहीं गई, तो इसको क्या घर पे माँ बाप ने कहा होगा कि आज शाम को खाने के बाद हम लेक्चर देंगे कि दरवाजा कैसे खोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि इंसान का जो इम्पल्स है, जो हैवानी दिमाग है, वो मैं का दिमाग है, वो खुद ही का दिमाग नहीं, वो मैं का दिमाग है. मैं कहता है मैं दरवाजे से गुजर जाऊं, मेरा हाथ जहां लगे मुझे किसी और से क्या. वो सोचता भी नहीं है कि हाँ ये किसी और को कपड़ा ला के मेरे हैंड प्रिंट साफ करना होगा, या मेरा दरवाजा पीछे किसी को मुंह पे लग जाए तो मेनू की, वो सोचता भी नहीं, वो सिर्फ खुद ही गुजर जाता है. तो इस बच्ची को कभी किसी ने ये लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उसने सीइंग इज बिलीविंग, उसने देखा कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसका मुआशरा क्या करता है. और वो 4 साल की बच्ची से का जो तरबियत से ट्रेनिंग, तो कह रहे हो ना ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो शिफ्ट करते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर से इंट्यूटिव बिहेवियर. जब आप इंट्यूटिव करते हो तो आप माइंडफुल होते हो, और ये लीडरशिप, पर्सनल लीडरशिप की पहली कहानी है. एक और, अब इसी को आप अगर आप जोड़ें तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है. एक बहुत खूबसूरत ख्याल है कि सिर्फ ऑथेंटिक लोग, जो ऑथेंटिक होते हैं, सच्चे होते हैं अपने साथ, कोई उन्होंने झूठ की लहर नहीं, लेयर्स नहीं लगाई होती, वो काबिले कबूल होते हैं, बड़े दिल से लोग उनको मानते हैं. अच्छा, ऑथेंटिसिटी किस चीज़ की? अगर आजकल मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ उम्र में, अभी भी आई एम ट्राइंग टू अचीव माई आइडियल ऑथेंटिसिटी, वॉट माई ऑथेंटिक आइडियल इज. मैंने अपने आगे जो इंसान, जो अशरफ है मखलूक, उसमें जो बेहतरीन इंसान का मैंने अपनी तस्वीर बनाई है, द पिक्चर ऑफ नोबिलिटी, द पिक्चर ऑफ अजमत, अजमत की जो तस्वीर बनाई है, मैं तस्वीर के साथ ऑथेंटिक होना चाहती हूँ, तो मैं खुद ही माइंडफुल हो जाती हूँ. इस सफर में मुझे ज़रूरी नहीं है कि गम ना मिले. हम कहते हैं ना इंसान का गोल है खुश रहे, खुश रहे. मैं कहती हूँ हैप्पीनेस इज मीडियोक्रिटी. कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम और ख़त्म होती है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. हैप्पीनेस इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंडेवर. नो, द स्ट्रगल एंड द स्ट्राइव इज व्हाट बिल्ड्स कैरेक्टर एंड दिस इज व्हाट इट इज व्हेन यू
look at what your ideal authentic is and you continuously strive. एक और चीज होती है दुआ का मैजिक. मैं जब दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे सबर दे दे, मेरे अंदर से गुस्सा निकाल दे, मेरे अंदर से किसी के लिए बुरी सोच निकाल दे, जैसे मैं ये दुआ के लफ्ज चूज करती हूँ, चूज, चाहे उससे पहले मैंने कितनी सूरह फातिहा पढ़ी हो, कितना कुछ पढ़ा हो, लेकिन मैंने चूज दीज वर्ड्स, तो मैं किसी के बारे में बुरा भी सोचने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं ऐसे नहीं करना. तो आई एम स्टिल अपनी मैं अभी तक तरबियत कर रही हूँ जो बचपन में वो बच्ची की हो गई थी, जो उसने देख के की थी. अब हमें गौर व फिक्र ज्यादा करनी पड़ती है जो चीज़ ना सिखाई हो या जो चीज़ मिट गई हो. तो प्लीज अपने ऑथेंटिसिटी की दुआ करें कि मैं चाहती हूँ कि हम एक रिस्पेक्टफुल, प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव. मुझे बड़ा शौक था उमैर प्राइम मिनिस्टर बनने का पाकिस्तान का, बल्कि मैंने अपनी पहली तकरीर भी, वो पीछे कायद आजम की तस्वीर होती है, झंडा होता है, और पहली प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर होती है ना, वो भी मैंने तैयार कर ली थी. लेकिन उसमें मेरा जो विजन था वो ये था कि वी आर गोइंग टू मेक अ पाकिस्तान विच इज रिस्पेक्टफुल, प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव. अगर हम ये दुआ ले लें और अपने हर अमल को, मुझे इस अमल से रिस्पेक्ट मिलती है और क्या मैं दे रही हूँ, हमें किसी पेंडेमिक के इंतजार की जरूरत नहीं है. कायनात ने हमें पहले ही बता दिया कि इंसाफ सब कुछ होता है, क्योंकि इसी हवा में मैं भी सांस लेती हूँ और चूंटी भी लेती हूँ और गधा भी लेता है. सूरज सबके लिए निकलता है, रब्बुल आलमीन के लिए, रब्बुल मुस्लिमीन के लिए सिर्फ नहीं निकलता. तो कुदरत तो इंसाफ करती है, टाइम 24 घंटे हर एक के पास वही होता है. अब से हम अगर फैसला करें कि मैं क्या करूँगी इन नेमतों के साथ, ये नेमते हैं, अवेयरनेस की एक एक्सरसाइज करें. अगले 10 सेकंड के लिए मेरे कॉलीग हैं मुस्तफा शहबाज, उनसे मैंने सीखी थी, अगले 10 सेकंड के लिए जरा हम तीनों इधर उधर गौर से देखते हैं आपको अपने इर्द गिर्द हरे रंग की कितनी चीजें नजर आ रही हैं. जरा 10 सेकंड गौर से देखें, हरी चीजें गिनें. जी कितनी नजर आई सदफ? मेरे सामने तो काफी है एक्चुअली, आई हैव अबाउट 7. सेवन. उमेर? मैं जरा कलर ब्लाइंड हूँ, 4 लग रही हैं. अच्छा ठीक है. अब अगर मैं कहूँ कि लाल रंग की चीजें ढूंढे, लाल कितनी है सदा? About 3. उमेर लाल तो दिखता होगा तुम्हें. यही तो दो कलर्स हैं शीपर, लाल और ग्रीन. अच्छा, अब जब आपको मैंने हुक्म नहीं दिया था कि आप ग्रीन को देखें, तो यू वर नॉट अवेयर ऑफ द ग्रीन. वो पड़ी हुई है आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है, लेकिन आप उन पे गौर नहीं कर रहे थे. जब आपने गौर किया तो वो नुमाया होके सामने आ गई. जब मैंने कहा लाल देखो, तो आप ग्रीन नहीं देख रहे थे, आप लाल ढूंढ रहे थे. और जब लाल ग्रीन ढूंढ रहे थे तो लाल नहीं नजर आ रही थी. तो जो भी आप जिस चीज पे गौर करेंगे वो सामने आ जाती है, वो पड़ी भी है आपके गिर, लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी. व्हेन यू पे अटेंशन यू गेट अवेयरनेस. अब्बास हुसैन साहब मेरे गुरु हैं, उन्होंने भी मुझे सिखाया था, अटेंशन इज द करेंसी ऑफ एक्सपीरियंस. यू पे अटेंशन एंड यू गेट एक्सपीरियंस. यू पे अटेंशन, इट्स द करेंसी ऑफ एक्सपीरियंस. तो सब कुछ आपके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, जरा गौर तो करें. हाँ शुक्र करें, लेकिन रेस्टलेस डिसकंटेंट रहें कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं. ट्रू, वंडरफुल. दैट्स देयर इज सो मच सेड देयर, एंड आई थिंक व्हाट पीपल आर एक्सप्रेसिंग इन कमेंट्स, आई वुड एग्री विद दैट. दिस हैज बीन सच अ रिच डायलॉग. वी आर रनिंग, we have last 5 minutes and I have 2 questions. So I'm going to put the first one out, but let's be mindful that we have to end at 45. So my question is, in your experience, when you work with young people and you've helped them become more mindful through their work, can you quote off a story, an example of how their life changed? So maybe before the experience, what you were offering, the training or the development experience that your organization offers, what they didn't know about themselves and what they came to know and what became of it. So just a quick example, because we lack examples.
from your work, both of you, Sadaf is running Circle and Shinipa. So, I mean, I think there's so many examples, but we don't have so much time. But, you know, for example, one of my team members, she's with me for 4 years now, Tuba. So, for example, you know, she'd share at times I'm feeling anxious or I'm stressed because she works with us and she also works full time as a software engineer. So it's a big responsibility and she's, you know, helped incubate the whole Tech Karo project. So we talked about doing meditation regularly. We talked about, you know, being more in a state of gratitude, building these practices into her life and noticing her energy, you know, becoming more present about how am I feeling and being aware of it. So, you know, she's doing really well now and she's, mashallah, got a great scholarship. She's going to be going for her master's. So, and this all just happened recently. So I think, you know, I have other examples, like we have, you know, Sabah Khalid, who's working on AI and women. You know, again, someone young, vibrant, you know, who's got an enterprise, who's taking it forward. So I think for all of this, young people are realizing now also, along with the busyness of life, you know, how am I looking after myself? Main apna kaise khayal rakhun, apni well-being ka khayal, meri thoughts kya hai? Shireen ne jis tarah kaha, where attention goes, energy flows. Where energy flows, life flows. So aap jahan attention dalenge, wo aapki life mein amplify hoega. Agar aap, isiliye hum as a nation, Umair, attention dalte hain on what's not working, aur wo amplify ho rahe hain hamari life mein aur hamare mulk mein. Agar hum attention dalte hain on what's working, those things will grow. They will grow. So that's the very useful principle to follow. Thank you for that, Sadaf. From you, Shinapa, any example of transformation? Yeah, lots of examples, Umair, from our School of Leadership days when I was working there. It was simple things like Yasin Bhai, jis din nahi aate the, that's happy. And so me as a CEO, I used to wash the bartan, saron ke lunch ke bartan dho leti thi, a toilet mein brush maar ke toilet seat ko saaf kar liya. And unless I didn't do it, others wouldn't do it, and neither would I expect them to do it. Hamari building mein jahan AC lage hue the, niche mein balti rakhni hoti thi taki uska pani drip kare. I used to say ki ye pani jama karke toilet mein flush ke liye use karo. It took me months and months for people to get into the habit of feeling the pain ke Pakistan mein pani nahi hai, ye AC ka pani hum bartanon ko dhone ke liye, toilet ko flush karne ke liye, paudon ko dene ke liye istemal kar sakte hain. Months and months, kyunki wo utha ke pani phek dete the. So all those kind of behaviors which one has to demonstrate for people to be able to learn. Phir mujhe log aake kehte hain, aap kis khameer ki bani hui hai? Koi khameer ka farak nahi hai, sab wahi hai, sirf karne ki der hai. True, karne ki der hai. Ab waqt hamara khatam ho gaya. Quick tips, how to become more mindful in life. Just say it, what your top ideas are. Whoever wants to go first. Shireen, aap kyun nahi start karte? Jo bhi aap acha samajhte hain aur apne liye behtar samajhte hain, wo auron ke liye karna shuru ho jao. Wow. Sada. I would just say, just, you know, literally every hour as a practice, take a conscious breath and ask yourself, am I aware? If you're in a state of awareness, you will be kind to yourself, you'll be kind to others, we will all progress. Wow. Wow. Thank you very much, both of you. Shinapa and Sadaf. It was lovely having the two of you on the Independence Day. Wishing for a mindful Pakistan. Some great ideas shared there. Bahut maza aaya. Thank you. Khuda hafiz. Thank you. Thank you. And ye hum keh dete hain. मजे के साथ साथ बहुत सारे थॉट्स भी आए थे, मल्टीपल पीपल क्लिकिंग हु शुड गो ऑन, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप सब ने इतनी सारी थॉट्स पिक की, शेयर की, इट्स वंडरफुल. आई लाइक टू रीड सम ऑफ देम एंड देन क्लोज. बट फॉर यस, गुड टू सी यू रूही आंटी, आई होप यू आर डूइंग वेल. इजलाल, थैंक यू. खूब से खूब तर की तलाश होनी चाहिए जी. रेस्टलेस डिसकंटेंट इज द टर्म श्रीनापा यूज्ड. आई थिंक दैट्स अ टर्म दैट यू आर इंप्लाइंग.
as well. It's a responsibility of the viewers now to implement in our actions. Yes. और बहुत आपको सादा मिसाल, सादा अंदाज में कि जो आप अपने लिए सोचते हैं वो दूसरों को ऑफर करना शुरू कर दें. और सदफ़ ने कहा कि ब्रेक लें और एक सांस गहरी लगाएं और पूछें अपने आप से कि क्या आप आगाही वाले मोड से ऑपरेट कर रहे हैं या चले जा रहे हैं. वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. We are busy doing, 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 doing. Social media takes up a lot of time. Our mobiles take up a lot of time. And then their growing interest, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं हमारी ज़िंदगी में तो ये मसाइल नहीं थे, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा important लगते हैं. So yeah, Amir, I agree. It was very thought-provoking, and what you love for yourself, start doing for others. I think we heard it from our speakers as well. Ke Sadaf ne kaha, aur I would like to sort of share this from the pandemic lens. Ke pandemic se pehle trainers ki life bahut zyada lagi hui hoti thi, aur flights and ana jana aur bahut sari gatherings, ek gathering se dusri gathering, ek din kisi ke sath, dusra din kisi aur idare ke sath, badalti hui audiences, and corona brought a all of it to a standstill. And this was the first time I saw it. I'm young still, or I'd like to believe so. I'm 33, I'm going to be turning 34 soon. और ये पहली बार था जो मैंने इतने सालों में ब्रेक देखा, और मुझे भी एहसास हुआ कि मैं बहुत भाग रहा हूँ मुसलसल. सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक लम्हा अपने साथ ना होना मुकम्मल, अपने आप को वक्त ना देना, अपनी फीलिंग्स महसूस ना करना, अपने थॉट्स थिंक थ्रू ना करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम ना करना. माइंडफुलनेस इज द की, इट्स द की. डॉक्टर वेन डायर से मैंने एक कहानी सुनी व्हेन आई वाज इन कॉलेज. वंडरफुल स्पीकर, यू शुड लुक हिम अप, डॉक्टर वेन डायर, एंड सम ब्रिलियंट बुक्स. आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑन कॉन्शियसनेस. डॉक्टर वेन डायर की कहानी सुनाते हैं. आई'd लाइक टू एंड टुडेज इवेंट विद दिस स्टोरी. दैट एक बंदे की चाबियां गुम हो गई, गाड़ी की चाबियां गुम हो गई, और गाड़ी की चाबियां उसने बहुत ढूंढी, और जहां गिरी हैं वहां ढूंढता रहता है, लाइट नहीं है तो उसको मिलती नहीं है. सो इमेजिन आपकी लाइट गई भी और चाबी गिर गई, आपको नहीं मिल रही, तो ढूंढ ढूंढ के थक जाता है. तो सामने लाइट नज़र आती है तो सोच में आता है कि वहाँ लाइट है, चलो वहाँ ढूँढ लेता हूँ, तो वहाँ ढूँढना शुरू कर देता है. थोड़ी देर बाद एक शख्स आता है, कहता है क्या कर रहे हो, तो कहता है चाबियां गुम गई हैं, ढूंढ रहा हूँ, हैव टू गो समवेयर. तो कहता है आई हेल्प यू. दोनों मिलके ढूंढते हैं, थोड़ा टाइम ढूंढते रहते हैं, ऑफ कोर्स दे कांट फाइंड द की देयर. सो दिस गाय आस्क्स हिम के तूने चाबियां यहीं गिराई थी, आर यू श्योर यू ड्रॉप द कीज हियर. तो कहते नहीं, चाबी तो मैंने घर में गिराई थी. उसको कहता है तुम फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो उसको. कहता है रोशनी यहाँ पर है. And he relates it with how we look for the key where the light is. Now the light is this screen, all screens are lights, the social media, the hypes, the trends, what is happening, and kya aaj cheez zaruri aapke paas hi, tamam cheezein zarur light hain, in tamam cheezon pe aapko chabi to nahi milegi, light zarur mil jayegi thodi bahut us waqt ki, lekin chabi jahan girayi hai chabi wahin se milegi. Aur aksar chabiyan hamare apne andar ki giri hui hai, हमारी खुशी, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा कंट्रीब्यूशन, इसका ताल्लुक बहुत कम हमारे सर्कमस्टेंसेस, इर्द गिर्द की चीज़ों से होता है, और बहुत ज़्यादा हमारे इंटरनल रिसोर्सेज से होता है. इस दुआ के साथ कि हम सब टैप करें अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को. आप बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ें, बहुत बड़े मंसूबे बनाएं, लेकिन सांस आपने लेना ज़रूरी है. अपनी स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. बड़े से बड़ा गेम, इनफैक्ट जब गेम्स बड़े हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अब ये गेम गेम ऑफ स्किल नहीं है बल्कि गेम ऑफ नर्व्स हो गया है. एंड दिस गेम ऑफ लाइफ ऑल्सो नीड्स द सेम. मे यू बिकम मोर माइंडफुल, मे पाकिस्तान बिकम अ माइंडफुल नेशन. हम सड़क चलते हुए सोचें, गाड़ी फास्ट लेन में रखते हुए सोचें कि मैं क्यों फास्ट लेन एक्वायर किए, वो अगर बराबर वाली लेन खाली है. हम
गुजर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, पीछे मुड़ के देखें कोई आ तो नहीं रहा, खाने की मेज पे हैं, दूसरों को प्लेट देना सीखें, देखें इर्द गिर्द कोई बड़ी उम्र का, कोई ऐसा जिसकी मुख्तलिफ ज़रूरत, कोई ऐसा जो कि अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हो, माइंडफुल हो जाए, माइंडफुल हो जाए अपने मोहल्ले में, माहौल में आपको गंदगी नजर आना शुरू हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी नजर आना शुरू हो जाएगी और आप उसकी जिम्मेदारी लेने वाले बन जाएंगे. मे वी बिकम अ माइंडफुल नेशन. थैंक यू वेरी मच टीम टॉर्क फॉर सेटिंग दिस. थैंक यू हम्माद, मारिया, फवाद फॉर पुलिंग दिस ऑफ ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस. थैंक यू वेरी मच नईम जमींदार फॉर जॉइनिंग अस फॉर द फ्रीडम मेडिटेशन, सदफ आबिद एंड शीरीन नकवी फॉर जॉइनिंग अस फॉर द माइंडफुल एक्शन डायलॉग, एंड ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम ऑल डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ Pakistan and some from outside as well. May we grow, may our 75th be far better than our 74th, inshallah. The delicate intricacies and unfathomable inner workings of a bunch of sportsmen unlike any other. Where do you begin to describe a team of mercurial unpredictability? There's just something about the Pakistan cricket team. The 1954 babes of cricket who upstaged England to firmly put Pakistan on the cricketing map. He's run out and Pakistan have won. A wondrous cricketing romance began. This was the time of the suave, the debonair, the time of silk scarves and brill cream. Led by Abdul Hafiz Kardar, the skipper, the father of Pakistan cricket. In Fazal Mahmood's oval heroics, Pakistan had found its hero. Over time, there would be others who would take up this mantle. Hanif Muhammad, the little master, he of 337 of the most obdurate runs. The wall that would not let up. There were victories, there were defeats, and as time went by, Pakistan carved out its own unique identity into the cricketing fraternity unlike any other. There were mavericks, and there were those who revived a dying art. There were those of the silky wrists and the studious game. There was a street fighter who showed that Pakistan was no longer afraid of being brave. And a six
that was stamped into the nation's psyche forever. There were magicians of a supposed dark art, dark only because no one else yet knew how to conjure up such magic. And from there, a new breed of speed came. Speed merchants like nothing the world had ever seen. There was a leader, a captain, who made Pakistan believe they could conquer it all. And they did. The cornered tigers roared. Pakistan win the World Cup. They were champions and they ruled the world. There were new heroes. There were wolves who hunted in packs, kings of swings and toe crushers. The Burewala Express would not let anything stand in its way. There were small wrists blazing records. There was a wall to steady it all. There was magic and guile. There was a whirlwind that shook everything. Madness would have a new max. And there was a lightning bolt. The long line of fast bowlers had reached its crescendo in speed. A new sheriff was in town. There was lazy elegance, and there was brute force. There were sad, dark times, and yet there was strength within. There was exile. Millions of eyes set upon barren arenas. Yet there was strength again. There was resolve. There was sheer class and power of will. That he was not the chosen one would not stop him. And again from the ashes they would rise. Pakistan cricket would surge again and once again conquer the world. There was belief. There was redemption. There was a magician, a caster of enchantment. There was a swift rise of a hero, and an even swifter fall. Icarus had flown too close to the sun. Yet it all continued.